मिलके सुने, मैं सुनाती हूँ और आप लोग सुनिए। तो चलिए मिलते हैं माता सीता के जन्म की कहानी से, आइए मेरे साथ। बहुत सालों पहले मिथिलापुरी एक राज्य था। मिथिलापुरी के राजा जनक थे। राजा जनक के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा जनक के पास बहुत सारा धन दौलत बहुत सारी चीज़ें थी, पर कोई संतान मतलब कोई बच्चे नहीं थे, मतलब कोई भी उनके यहाँ पे संतान नहीं थी। वो दिन रात इस बात को लेकर चिंतित रहा करते थे, सोचा करते थे। पर इसके साथ साथ राजा जनक अपने इष्ट देव, अपने गुरु और अपने सब लोगों की बहुत अच्छे से सेवा किया करते थे और पूजा किया करते थे। एक बार एक गुरु ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह और राजा जनक को अपने ही खेत को यज्ञ उपयोगी बनाने के लिए खुद जाकर हल चलाना था। तो राजा जनक गुरुजी की बात मानकर खेत में हल चलाने के लिए चले जाते। इतने बड़े राजा और कड़कती धूप में हल चला रहे थे। हल चलाते हुए जब वो मिट्टी में से हल चला रहे थे तो उन्हें हल चलाते हुए मिट्टी में से एक घड़ा मिलता है। वो घड़े को देख के पहले तो हैरान हो जाते हैं कि यहाँ खेत में घड़ा कहाँ से। घड़े को अपने हाथ में लेते हैं तब तक उसमें से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। वो और हैरान हो जाते हैं इसमें और बच्चे के रोने की आवाज़। वो उसे लेकर तुरंत अपने महल की तरफ जाते हैं। महल में जाकर वो उसमें से उस बच्ची को निकालते हैं, बहुत प्यार से गोद में लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते करते उन्हें इतना अच्छा लगता है, उन्हें ये लगता है कि शायद इसीलिए मुझे हल चलाने के लिए कहा गया था। तो उन्हें वो प्यारी सी बच्ची मिलती है जिसका आगे चलकर राजा जनक सीता नाम रखते हैं। वो होती है राजकुमारी सीता। तो इस तरह हुआ हमारी माता सीता का जन्म। एक दिन की बात है, गुरु परशुराम राजा जनक के महल में आते हैं। उनके हाथों में शिव भगवान का दिया हुआ धनुष, जो कि बहुत ही भारी भरकम होता है, जिसको हर एक कोई नहीं उठा सकता, उसको लेकर आते हैं। आते आते वो गुरु परशुराम उस जो धनुष को होता है उसको दरवाजे के पास में रख देते हैं और अंदर राजा जनक के पास आके उनसे बातें करने लगते हैं। तभी माता सीता आती हैं। वो बाहर खेल रही होती है, तब तक वो अंदर आती हैं, उन्हें वहाँ पे धनुष रखा हुआ देता है। वो उस धनुष को उठाती हैं अपने हाथों में और उसके साथ में खेलने लगती हैं। गुरु परशुराम सीता माता को इस तरह से धनुष उठाए हुए देख के हैरान हो जाते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये जो धनुष इसने उठाया है ये भगवान शिव का धनुष है जो इसने उठाया है। इतनी आसानी से उठा लिया, ये कोई साधारण कन्या नहीं है राजा जनक। राजा जनक, मैं तुम्हें ये धनुष आपको देता हूँ, आप इस धनुष को अपने पास रखिए और जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा उसी के साथ सीता माता का विवाह कीजिएगा। राजा जनक गुरु परशुराम को धन्यवाद कहते हैं और फिर वो ऐसा ही करते हैं। आगे चलकर वो ऐसा ही बोला जाता है कि ऐसा ही होता है कि उन्होंने गुरु परशुराम का दिया हुआ जो धनुष होता है, जो भी वीर आकर उसको तोड़ेगा, जो भी वीर आएगा उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता माता का विवाह होगा। तो हमारे भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा। उस धनुष को तोड़ने के बाद माता सीता और राम भगवान का विवाह हुआ। तो इस तरह से माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना माता सीता का जन्म और माता सीता का विवाह। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताना ज़रूर मुझे। अगर ये कहानी अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलेंगी आपको। देखनी है आपको ये कहानियाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्ते।